प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जहां एक तरफ पहले से ही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट एक दूसरे को लगातार कई बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी से तेज हो चुकी है। 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है शिवसेना पार्टी का और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि 2.5 साल के कार्यकाल को वह पूरा करके दिखाएंगे और साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव जो होने वाले हैं उन चुनाव में भी वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के समर्थन से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार तो बनाई है, लेकिन इस सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है और चुनाव आयोग जल्द ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला भी सुना सकता है। लेकिन इसी बीच यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार एमवीए को बचाने के लिए, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। साल 2024 को लेकर उन्होंने कह दिया है कि यदि विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो वह चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए इस वक्त अजीत पवार के साथ मिलकर उन्होंने तमाम रणनीतियां बना ली हैं। लेकिन बात की जाए उनकी बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले के बारे में, तो सुप्रिया सुले भी यहां पर डंके की चोट पर अब काफी बड़े कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं, कई बड़े ऐलान करती हुई दिखाई दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी राज ठाकरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन बारामती में एक बार फिर से बीजेपी यहां पर अपनी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें बीते कुछ समय पहले जब खबर सामने आई थी कि शरद पवार को अब बीजेपी यहां पर हराती हुई दिखाई दे सकती है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो लोकसभा सीट से सांसद हैं और ऐसे में बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। 16 सीटों का चुनाव है और ऐसे में विपक्ष अक्सर जीतता ही नजर आया है। बारामती सीट से सांसद है सुप्रिया सुले और ऐसे में अब मिशन बारामती को तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चलें कि निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी की तरफ से और वह बारामती में बीजेपी की जमीन मजबूत करने में जुट चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस यहां पर महाराष्ट्र में रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में बीजेपी की तरफ से कुल 144 सीटों को चुना गया है और 16 महाराष्ट्र की सीटें हैं। ऐसे में यहां पर निर्मला सीतारमण बारामती के दौरे पर रही और यहां पर वह केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को शिशुर लोकसभा सीट की कमान सौंपती हुई नजर आई। ऐसे में यहां पर अब सुप्रिया सुले क्या कुछ अहम फैसले ले सकती हैं, क्या वाकई में अब इस मिशन को लेकर, मिशन बारामती को लेकर सुप्रिया सुले यहां पर अहम फैसला उठाएंगी, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने कह दिया है कि विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाएं और यहां पर अब सुप्रिया सुले भी देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे को टक्कर देती हुई दिखाई दे सकती हैं। के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार सुप्रिया सुले इस मिशन को लेकर क्या कुछ कहती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।